फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लड्डू की रेसिपी बनाने वाले हैं जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और हेल्दी भी है। आप इसे घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करना। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ले ली है। यहाँ पर मैंने तीनों की एक ही क्वांटिटी में ली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 कप जितना सफ़ेद तिल लिया है और उसी माप से मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। यहाँ पर आप गुड़ को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम सफ़ेद तिल डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट करेंगे। तिल को हमें ज़्यादा देर तक ड्राई रोस्ट नहीं करना है, 1-2 मिनट तक ही इसे ड्राई रोस्ट करना है। तिल अच्छे से चटकने लगे और अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं तो हम इसे एक डिश में निकालेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। आप ड्राई फ्रूट्स को अलग अलग भी रोस्ट कर सकते हो, मैं तीनों को साथ में ही रोस्ट कर लूँगी। ऐसे आप लड्डू बना के रख दोगे तो ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगे और आपको बच्चों को जब भी मन हो तो आप इसे देंगे तो बहुत चाव से खाएंगे। बहुत ही टेस्टी लड्डू बन के तैयार होते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसे भी हम एक डिश में निकालेंगे। ड्राई फ्रूट्स और तिल जब तक ठंडा होता है तब तक हम उसी कढ़ाई में 1 टीस्पून जितना घी डालेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो जाए उसके बाद जो गुड़ लिया था वो डालेंगे। गुड़ को हमें मेल्ट होने तक इसे पकाना है, इसकी चाशनी कुछ बनानी नहीं है। जब तक गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तब तक ही हम इसे पतला बैटर जितना तैयार करेंगे। देखो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। तिल ठंडा हो चुका है, अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसे दरदरा पीस लेंगे। तिल को मैंने देखो दरदरा पीस लिया है, इसी तरह से हम ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लेंगे। ड्राई फ्रूट्स का भी मैंने पाउडर बना लिया है और इसे भी तिल के साथ मिक्स कर लेंगे। गुड़ को हमने मेल्ट करके रखा था वो थोड़ा ठीक हो गया है तो हम गैस चालू करेंगे और इसे 1 मिनट तक अच्छे से ऐसे पतला होने तक भून लेंगे। गुड़ पतला हो चुका है, अब हम इसमें जो पाउडर बना के रखा था ड्राई फ्रूट्स और तिल का वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लड्डू बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाता है, आप इसे घर पे ज़रूर बनाना और बच्चों को देना। बहुत ही हेल्दी है और खाने में भी टेस्टी बनते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। देखो अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसे गैस से नीचे उतारेंगे। देखो ये नॉर्मल ठंडा हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। इस टाइम अगर आपसे लड्डू ना बन रहा हो तो आप 1 टीस्पून जितने घी को मेल्ट करके डाल दीजिएगा, बहुत अच्छे से और आसानी से लड्डू बन के तैयार होंगे। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना के तैयार करना है। हेल्दी तिल और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बन के तैयार है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।